2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारत की राजनीतिक विसात फिर से बिछाई जा रही है। इंडिया गठबंधन चुनावी मुकाबले का वादा करते हुए एनडीए के खिलाफ कदम बढ़ा रहा है। 2019 के चुनाव के बाद से अब तक यानी कि पिछले 4 सालों में गठबंधन बदल गए हैं, सत्ता की गतिशीलता बदल गई है और यहाँ तक कि यूपीए का परिचित नाम भी अब बदल कर इंडिया रख दिया गया। तो ऐसे में सवाल ये कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। 2024 के चुनाव से पहले देश की सियासत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इंडिया गठबंधन का बनना अब एनडीए के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। यह बदलाव वोट शेयरों पर भी है और सबसे बड़ी बात कि सीटों की संख्या के तौर पर भी मौजूद है और समय में भी साफ, आने वाले समय में भी साफ देखा जा सकता है। वोट शेयर में अंतर की अगर बात की जाए तो इंडिया का वोट शेयर 2019 के 45% से घटकर 2024 में लगभग 43% पर पहुंच सकता है, जबकि पार्टियों के पाला बदलने से इंडिया का वोट शेयर 27% से बढ़कर 37% हो सकता है। ऐसे वोट शेयर में अंतर भी आया है। इंडिया और एनडीए के वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 2019 में एनडीए को 45%, तो वहीं 2023 में इंडिया को 43%, वहीं एनडीए को 2019 में 27%, तो 2023 में 37% वोट शेयर है। 2019 में इंडिया और यूपीए में वोटों का अंतर 18% था। 2023 में इंडिया जो पहले यूपीए में था वो वोटों का अंतर में 6% रह गया है। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 में क्या होगा। पार्टियों के नंबर पर अगर बात की जाए तो एनडीए का गठबंधन आकार में लगभग दोगुना हो सकता है, जो अधिक क्षेत्रीय दलों के साथ रणनीति गठबंधन का संकेत भी है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से लग रहा है 36-26 पर भारी है। तो एक तथ्य तो ये है कि एक तरफ 36 पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ 26 हो या 28 पार्टियां हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया है देखने का, अगर वो प्रतिशत देखते हैं 2019 के चुनाव में इन पार्टियों को जिन्होंने या तो एनडीए का हाथ थामा है या इंडिया के पक्ष में है, अगर उनके वोट को जोड़ दें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि तकरीबन 42-42% वोट एनडीए के पास है और 34-35% वोट जो है 36% वोट के करीब करीब वो इंडिया के पास है। इस नजरिए से भी देखें तो अभी भी एनडीए इंडिया पर मुझे भारी होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जरूर है कि अगर हम 2019 से तुलना करें उस समय का एनडीए, उस समय जो एनडीए को वोट मिला था और आज जो एनडीए का वोट है उसमें 1.5-2% की गिरावट है, 2% की गिरावट है और इसकी वजह बहुत साफ है। अगर आप जेडीयू को देखें वो उनके से छिटक के दूसरी तरफ चली गई है, शिवसेना में फाड़ हो गया है, शिवसेना उनसे दूर चली गई है, घड़ा उनके पास आ गया है। तो किसी भी नजरिए से देखें कम से कम मुझे तो अभी भी एनडीए इंडिया पर भारी नजर आता है। भारत में 2019 के सियासी हालात और 2023 के हालात में काफी फर्क दिख रहा है। दोनों प्रमुख गठनों एनडीए और यूपीए में सीटों की संख्या, वोट शेयर और गठबंधन के ढांचे में बदलाव देखा जा रहा है। 2019 में यूपीए ने 27% वोट शेयर के साथ 91 सीट हासिल किए थे, अब इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस गठबंधन के पास 144 सांसद हैं और लगभग 38% वोट शेयर है, जबकि एनडीए के पास में 45% वोट शेयर पर 252 सीट हैं, जिसमें से अब बदलाव देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, शिवसेना जैसे नेताओं के जाने और अजीत पवार के एनसीपी गुट में शामिल होने से इसकी संख्या में कमी भी आई और ये लगभग 43% वोट शेयर के साथ 335 सीटों पर गिर गई है। 2019 में इंडिया गठबंधन का अगर हाल देखें, जो पहले यूपीए था तो कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, जिसमें 19.7% वोट शेयर, कुल सीटें 144 थी और कुल वोटों की जो प्रतिशत थी वो 37% रही थी। 2019 में इंडिया और एनडीए का अंतर अगर देखा जाए तो गठबंधनों में कम ज्यादा होती पार्टियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 की संख्या के मुकाबले 2023 में बदलाव साफ देखने को मिल सकता है। वोट शेयर में भी अंतर देखने को मिल सकता है और वोट शेयर के अलावा
जो उम्मीदवार होंगे उनके भी मुकाबले कांटे के होंगे। सीट शेयरिंग में भी टक्कर है। एनडीए को अगर 2019 की बात की जाए और उससे देखा जाए सीट शेयरिंग पर, तो एनडीए को 2019 में 352 सीटें जीतने वाले घटक दल 2023 में 335 के आसपास रह गए हैं। यूपीए जो कि अब इंडिया है 2019 में 91 सीटें जीतने वाला गठबंधन 2023 में 144 सीटों वाला हो गया है। मतलब इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई। वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए के पास 2019 में 45% से घटकर 2023 में 43% पर आ गया है। यूपीए जो कि अब इंडिया है 2019 में 27% से बढ़कर 2023 में 37% हो गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक में देखें तो इंडिया को फायदा हुआ है। गठबंधन में पार्टियों की अगर बात देखा जाए तो एनडीए के पास 2019 में 19 पार्टियां थी जो कि अब 2023 में 38 पार्टियां हो गई है। इंडिया गठबंधन के पास अगर ताकत देखी जाए तो 2019 में 18 पार्टियां थी जो कि अब बढ़कर 2023 में 26 पार्टियां हो गई है। पार्टियों की संख्या में भी दोनों ही गठबंधन में बढ़ोतरी देखी गई है। मिशन 2024 की अगर बात करें तो 2019 के मुकाबले में इसमें बहुत सारे अंतर भी दिखाई दिए। 5% से कम अंतर से बीजेपी के 41 उम्मीदवार जीते थे 2019 में। 5% के कम अंतर से कांग्रेस के 19 उम्मीदवार जीते थे और अन्य के 37 उम्मीदवार 5% के कम अंतर से जीते थे। ये फासला बहुत ही करीबी है। चुनाव से पहले संसद की स्थिति तो बदली है, लेकिन फिर भी एनडीए ने 2023 में अपना बहुमत बरकरार रखा है। लेकिन घटती सीट और वोट शेयरिंग आगामी चुनाव में गिरावट का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में एनडीए में पार्टियों की बड़ी संख्या रणनीतिक पुनर्गठन का संकेत भी दे रही है। हाल ही में एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हुई, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट वाला और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी महत्वपूर्ण पार्टियां भी शामिल थी। एनडीए में जुड़े दलों के जरिए बीजेपी क्षेत्रीय दृष्टिकोण को साधने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले कुछ अनुमानों में एनडीए को 335 के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 171 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जो प्रमुख राज्यों में संभावित बीजेपी को झटका देती दिख रही है। इंडिया का अनुमानित वोट शेयर एनडीए के 43% के मुकाबले अब 37% हो गया है। वहीं अन्य को 20% वोट शेयर मिलने की संभावना है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।